भाजपा नेता संजय मिश्रा पर लगे यौन शोषण मामले में माननीय न्यायालय ने किया बाइज्जत बरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय मिश्रा ने कहा वे निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह भरोसा था उनके साथ न्याय होगा और सत्य की जीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पूर्व वार्ड पार्षद अनूप दुबे मौजूद थे। संजय मिश्रा ने कहा कि 6 लोग पुलिस से मिलकर फंसाने का षड्यंत्र रचे थे, समय आने पर उन्हें माकूल जवाब देंगे। जनता के बीच पहले की तरह कार्य करने की बात संजय मिश्रा ने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और खबर अब विस्तार से। भाजपा नेता संजय मिश्रा उर्फ बुद्धू पंडित पर 25 अक्टूबर 2021 को चक्रधरपुर की एक महिला खिलाड़ी द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिस पर श्री मिश्रा को चक्रधरपुर पुलिस गिरफ्तार कर चाईबासा जेल भेजा था। वहां उनके ऊपर कई धाराएं लगे थे। उस मामले में संजय मिश्रा को चाईबासा कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। 29 मई 2024 को चाईबासा में माननीय न्यायालय द्वारा संजय मिश्रा पर लगे सभी धाराओं से बरी कर दिया गया है। इस संबंध में रविवार को शहर के पुरानी रांची रोड स्थित दिलीप साहू स्मृति भवन में संजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था ताकि वो नगर परिषद की चुनाव नहीं लड़ सके, जिसमें पुलिस प्रशासन भी उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्रकारियों का सहयोग किया था। श्री मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2021 के नवंबर दिसंबर महीने में चक्रधरपुर नगर परिषद का चुनाव होना था, जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ना था, क्योंकि उससे पहले के चुनाव में वो सिर्फ 700 मतों से पराजित हुए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच रहकर उनका सेवा किया था। संजय मिश्रा नगर परिषद की चुनाव लड़ नहीं सके, उसके लिए एक षड्यंत्र के तहत पुलिस प्रशासन से मिलकर उन्हें फंसाया गया और समाज में बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का षड्यंत्र किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे परिवार बिखर जाता है, कई लोग सहन नहीं कर पाने से आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि मैं निर्दोष हूँ, वहीं कोर्ट पर मुझे न्याय मिलने का भरोसा था, जिस कारण वो डटकर सामना किया और कोर्ट ने उन्हें मामले पर क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। हालांकि इस दौरान उनका तबीयत बिगड़ गया और वो अस्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए अच्छा किए थे, जिस पर ईश्वर उन्हें बचा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने में 6 लोग षड्यंत्र रचा है, उन्हें समय आने पर जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनका सहयोग किए, जिस कारण हर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। फिलहाल वो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। उन्होंने पुनः अपील की कि किसी को भी इस तरह का षड्यंत्र कर फंसाए नहीं, क्योंकि उनका परिवार बिखर जाता है और वो बदनाम के डर से उल्टा कदम उठा लेते हैं। मौके पर अनूप दुबे भी मौजूद रहे। अब आइए देखते हैं भाजपा नेता संजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। चलिए ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है कि किस कदर कितना दिन तक कितना नीचे गिर के और इस तरीके का केस कराया गया मेरे ऊपर, सोचने वाली बात। तो ये सारा चीज प्लानिंग करके और मेरे को यहाँ पे चेयरमैन रोकने के लिए इस तरीके का रमा दिया। और जिनका जो भी षड्यंत्र में है इसमें, मैं उनको बोलना चाहूंगा प्रेस के माध्यम से कि किसी के साथ किस तरीके से इज्जत का खिलवाड़ नहीं करिए। क्योंकि चलिए मैं तो सही था, मैं घूम के आ गया, बहुत लोग जो है इस तरीके से होने के बाद कभी सोच लिया आत्महत्या कर लेते, जहर खा लेते, मर जाते, सह जाते, तो परिवार खत्म हो जाता है। एक परिवार का पूरा जो ये होता है इस तरीके से आरोप लगे, इस तरीके का गंदा केस जो सोचिए किस तरीके का, तो किसी का घर बर्बाद, बोलना ही है कि घर बर्बाद नहीं करना। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो सामने से आइए, सीधा सीधा लड़िए ना। शहर है, छोटा सा शहर है, मैं कहाँ, सीधा सीधा लड़िए ना। शहर है, छोटा सा शहर है, मैं कहाँ रहता हूँ सबको पता है। तो आदमी को सोचना चाहिए था कि मेरे साथ बहुत जो अन्याय हुआ है, अब मैं प्रेस माध्यम आप लोगों से माध्यम से चाहूंगा कि जो मेरा इज्जत गया है उसको फिर से वापस आप लोग बनाने में मेरी मदद करें। ये इस पे जैसा कि आप अभी जीत चुके हैं, हाँ, इस केस को, हाँ, तो क्या उन लोगों पे आप मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल करूंगा, यही चीज पे बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि जिन्होंने मेरे ऊपर में इस तरीके से गलत काम किया है। तो बताइए, जब लड़की मैंने कोई जिसको लड़की को जानकारी तक नहीं बेचारी को, मैंने जो इस मामले जिस लड़की को आगे किया गया प्रशासन के द्वारा, कोई गलती नहीं उस लड़की का, बताइए उसको कुछ मालूम तक नहीं है। मैंने साजिश रचने वाले और प्रशासन मिलके ही काम किया और लड़की को ट्रैप करके, जबकि लड़की कोई गलती नहीं, सुन लीजिए, लड़की ने कोर्ट में यही कहा है कि मेरे साथ कुछ घटने नहीं हुआ और ना मैं कुछ जानती हूँ, ये इस न्यायालय के आदेश में लिखा हुआ।
न्यायालय ने लिखा है कि भाई मेरे साथ साजिश रचने वाले आप ही के दल, साजिश रचने वाले मेरे दल के भी लोग हैं, दूसरे दल के भी हैं, मतलब सब लोग मिले, सब लोग बोले तो 6 लोग हैं इसमें। जो लड़की बाद में, जो लड़की का कहना था कि जो लड़की को जो ट्रैप करने में गए, तो लड़की का बयान तो आया ना भाई, वो तो जो भी बाद में बताई जब केस अब बरी हुए हमें, तो अब मैं मैंने जो आरोप लगाए हैं ना और जो षड्यंत्र किए हैं, तो उनको सही समय में फिर सही जवाब भी मिल जाएगा। ऊपर वाला एक घर देर अंधेर नहीं, इसलिए जैसा जिस बोले बताइए ना, 21 में 10वें माह में एक केस मेरे ऊपर हुआ था, अगर पुलिस केस नंबर 111/2021, उसका मुख्य देखिए जो चकदरपुर के अंदर कुछ लोग जो थे यहाँ पे, जिनको चकदरपुर नगर परिषद का चेयरमैन चुनाव जिनकी लड़ने की इच्छा थी अपने मन के अंदर, तो वैसे लोग जिस हिसाब से लक्ष्मण गिलुआ जी थे उस समय से मैं साथ लगातार रहा हूँ और शहर के अंदर काम किया हूँ। पिछले इलेक्शन जब हुआ था नगर पालिका का, तो मात्र 700 वोट से मैं हारा था, तो उसके चलते दिसंबर 2021 में नगर निकाय का चुनाव यहाँ पे होने वाला था झारखंड सरकार के द्वारा। तो जो हमारे विरोधी जो थे उनको लगा जैसे कि अगर ये संजय मिश्रा अगर चुनाव में खड़ा होता है तो मेरे लिए मुश्किल होगा आगे चल, इसलिए कि मैं अगले बार मात्र 700 वोट से पीछे रह गया, वो भी 16 कैंडिडेट में 17वां नंबर मेरा था और सबसे कमजोर मैं समझ लीजिए मैं ही था, बाकी सभी तरह से सक्षम थे, उसके बावजूद मैं मात्र 700 वोट से हारा। इसको देखते हुए जो जिनको चुनाव लड़ने का मनसा था अंदर में, और कुछ लोग जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता से चिढ़ते थे मेरे ऊपर, वैसे लोग इकट्ठा हुए और आपको मजा की बात बताऊं कि एक दो नहीं करीबन जो इस केस करवाने में 6 लोग गुप्त रूप से शामिल थे, 6 लोग जो थे वो मेरे पीछे पड़े और एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके और एक झूठा केस मेरे ऊपर में इस तरीके से करवाया, आपस में प्लानिंग करके कि अगर इसको बदनामी नहीं करूंगा अभी तो जिस हिसाब से संजय मिश्रा का नाम है चकदरपुर के अंदर, तो हम लोगों को दोबारा यहाँ जीतना या किसी भी तरह में हर मामले में मैं आगे रहता था शुरू से। लोग चकदरपुर शहरवासी जानते हैं कि मैं लक्ष्मण गिलुआ के निजी सहायक के तौर पर भी था और काफ़ी काम मैंने चकदरपुर शहर के अंदर अभी तक किया है, नगर परिषद रहने टाइम में भी किया है और इसके पहले भी मैंने बहुत काम किया जिसकी गिनती नहीं है, लोग से पूछ सकते मैंने, लोग आप यहाँ शहर के लोग बता सकते। तो इस तरीके षड्यंत्र ये लोग बैठ करके रचे और 25/10 को 2021 को थाना प्रभारी चकदरपुर थाना के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे प्रवीण कुमार, उनको आपस में मिला करके और प्रवीण कुमार जी जो थे यहाँ पर मतलब बहुत सारा थाना प्रभारी रहते हुए बहुत कुछ गलतियाँ उन्होंने की थी,